दोस्तों विंटर्स जा चुकी है और आने वाला है समर। और ऐसे में जो हमने अपनी बॉडी और फेस पे टैनिंग भर ली है धूप में बैठ बैठ कर, अब उसको हम किस तरीके से रिमूव करें, ये अब बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि समर्स में हमको अपने स्लीवलेस टॉप भी पहनने हैं, तो हमारे यहाँ के हैंड्स और यहाँ के हैंड में जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो स्लीवलेस पहनने में बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरीके से जिद्दी टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, हो सकता है उनकी भी मदद हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी मैं इस तरीके का वीडियो बनाती हूँ तो हमेशा यही सोचकर बनाती हूँ कि हमारा समय बहुत ज़्यादा कीमती है और हमारे पास इतना ज़्यादा समय होता भी नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करें और उसके बाद हम उसको डेली अप्लाई करें। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से आप अपनी टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आपको करना होता है क्लिंजिंग। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे फेस पर डेमोन्स्ट्रेट करके बता रही हूँ और मैं आपको हैंड्स पर भी करके बताऊंगी। आपके जहाँ जहाँ भी टैनिंग है आप बिल्कुल सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप टैनिंग को रिमूव करते हैं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले करना है यहाँ पर क्लिंजिंग। मैंने यहाँ पर जाविस का क्लिंजिंग लोशन यूज़ किया है। आप कोई भी क्लिंजिंग लोशन जो आपके पास हो उसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। मेन कंसर्न हमारा क्लिंजिंग का ये होता है कि जिस पार्ट पे भी हम अब प्रोडक्ट लगाने वाले हैं वो पार्ट अब बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो बस आपको क्लिंजिंग करना है कुछ इस तरीके से। और अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 10 रिमूवल प्रोडक्ट लगाऊंगी। मैं यहाँ पर न्यूट्रीनॉर्म का 10 रिमूवल पैक लगाने वाली हूँ। आप चाहें तो जॉबिस का भी पैक लगा सकते हैं, सारा का भी बहुत अच्छा होता है। ये दोनों ही हर्बल हैं, इवन जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी हर्बल है। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आपकी ऑयली स्किन हो, आपकी ड्राई स्किन हो, आपकी सेंसिटिव स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, 10 रिमूवल क्रीम बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। मैंने आज तक किसी को भी ऐसे नहीं देखा है कि किसी को साइड इफ़ेक्ट हो गया हो इससे। तो 10 रिमूवल क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। तो 10 रिमूवल की एक सबसे अच्छी खासियत ये भी होती है कि ये ब्लीच, जैसे ब्लीच जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन के लिए थोड़ा बहुत ख़राब होता है क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, पर 10 रिमूवल जो होता है वो आपके बालों को, जो आपके जो रुए हैं या बाल जो होते हैं वो बिल्कुल आपके बालों को ब्राउन नहीं करता है। बस ये आपके जो भी सन बर्न हो जाता है, आपको जो टैन हो जाती है, जो टैनिंग हो जाती है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। और इसको लगाने का तरीका जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हो, आपको केवल मोटी परत लगानी है। आपको ये ठंडा ठंडा थोड़ा सा मिंट वाला जो इफेक्ट होता है वो देता है और जो आपकी टैनिंग होगी वो इसको रिमूव करता है। और दोस्तों ये आपको वीक में एटलीस्ट, अगर आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है तो आपको वीक में 2 टाइम तो करना ही करना है, और बहुत इजी है। आपको कुछ बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी ये बात बोली, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है। हमको अपने और भी काम होते हैं, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, काम ही काम होते हैं यार। तो ये चीज़ अगर आप डेली, अगर आप वीक में अगर आप 3 या 2 टाइम्स भी कर लोगे ना, तो आपकी जिद्दी से जिद्दी टैनिंग जो होगी ना वो भी रिमूव हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको हैंड्स पर भी डेमोन्स्ट्रेट करके बता रही हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपने हैंड्स को क्लीन कर लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छे से 10 पैक को लगा दूँगी थोड़ी मोटी परत, क्योंकि जो हमारे हैंड्स होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन हो जाता है, टैनिंग हो जाती है। जो हमारे हैंड्स कवर रहते हैं वो तो हमारे स्किन कलर के हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे कवर नहीं रहते हैं वो इस तरीके से टैनिंग हो जाती है। तो आप इस तरीके से पूरे हैंड्स पर, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप अपने हैंड्स पर भी लगाइए और कम से कम 15 मिनट तक 10 पैक को आप अपने बॉडी पर रखिए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से रिंस ऑफ कर लीजिए। बस मैंने क्लीन कर लिया है केवल पानी से, और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दूसरी रेमेडी। जो लोग नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स पसंद करते हैं उनको, अगर आपको पैक लेके नहीं आना है तो आप इस तरीके का एक एलोवेरा लीव ले लें। नेचुरल भी लेना चाहें तो नेचुरल भी ले सकते हैं, या फिर आप जो मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हैं। उसमें मैंने कुछ लेमन ड्रॉप्स डाल लिए हैं कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मैं जहाँ जहाँ मेरी टैनिंग है वहाँ वहाँ मैं फ्रेश एलोवेरा जेल को लेमन के साथ इस तरीके से पूरे टैनिंग पार्ट पर लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। एलोवेरा जेल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ये सब बात हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों अगर आप एलोवेरा जेल लगाएंगे जहाँ जहाँ आपकी टैनिंग हो गई है, तो आपकी देखेंगे कि आपकी टैनिंग बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी। अगर आप उसमें लेमन भी डाल लेंगे तो लेमन में तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो आपके ब्लैक पार्ट हो गया है बिकॉज ऑफ दी सन या किसी और रीज़न से, वो भी रिमूव हो जाए। आपके जहाँ जहाँ टैनिंग हो रखी है वहाँ वहाँ आप इस तरीके से एलोवेरा लेमन को लगा लीजिए और उसके बाद 15 मिनट बाद आप ठंडे पानी से धो लीजिए।
अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इन स्टेप्स को डेली फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप 3 टाइम्स पर वीक तो करिए, तो आपकी जितनी भी टैनिंग होगी आपकी हैंड्स पे, आपके फेस पे, वो सारी रिमूव हो जाएगी। और मर्स में घर से बाहर निकलने से पहले आप सन प्रोटेक्शन क्रीम को लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। जब भी आप सनस्क्रीन लोशन लेने जाएं तो आप हमेशा ये याद रखें कि समर्स में एटलीस्ट उसमें SPF 40 तो होना ही चाहिए, और उसको आप अपने जहाँ जहाँ भी आपकी बॉडी एक्सपोज हो रही है, हैंड्स या फिर बैक और फेस पर अप्लाई जरूर करना है। मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे वीडियोस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए और सामने दिए हुए बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।